माइक्रोवेव है, वहां माइक्रोफोन लगा हुआ है, वो माइक्रोफोन क्या कर रहा है आपकी वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा है अंदर में, फिर वहां से एयर से ले जा रहा है बीटीएस के ऊपर में जो टावर लगी है एयर के माध्यम से, और वहां से फिर क्या कर रहे हैं ऑप्टिकल इस लाइट के ऊपर में रख के लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा रहे हैं। तो अब ये लाइट सिग्नल के ऊपर में ये हमारी वॉइस जो है कैसे जा रही है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। है कि जब आप जैसे कि एक मान लीजिए कि आपके घर में सोलर को पानी चाहिए, इसमें पानी चाहिए, ये पाइप है, मान लीजिए कि ये 20 mm का पाइप है, इसमें पानी जा रही है। तो आप मान लीजिए कि यहां पर 100 पीपल्स थे जिसको यूज कर रहे थे, अब इस एरिया में 500 पीपल्स कंजेशन तो होगा ही, स्वाभाविक है कि इसको हम लोग इसकी साइज को डायमीटर को बढ़ाएंगे, डाया को बढ़ाएंगे, तो कहने का मतलब बैंड भी इसको बढ़ा रहे हैं, बैंड को बढ़ा रहे हैं। तो यही सेम चीज है, हमारी जो वॉइस है वो क्या था, मिनिमम आपका 20 हर्ट्ज था, जो कहने का मतलब यही तक जा रही है, पीछे नहीं जा रही है। तो 20 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 साइकिल हॉर्न इस तरह से रोटेट करते हुए पहुंच गई 2 मीटर, 3 मीटर का ये 5 मीटर पहुंच गई। जब हम बात करते हैं 3.4 kHz, तो कहने का मतलब है 100 रोटेट कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में जब हम डिजिटल फॉर्म में जाते हैं आज के डेट में जो इक्विपमेंट है, हम इसको 4 kHz लेके चलते हैं, मैक्सिमम आज को हम लोग 4 kHz, एक सेकेंड में 4000 साइकिल जो है रोटेट करने के बाद में पहुंचते हैं, ये है मैक्सिमम ह्यूमन का वॉइस है। इसी वॉइस को हमको यदि हम देखते हैं, हमको पानी चाहिए ज्यादा तो ज्यादा बैटरी फल लेंगे, हमारी वॉइस का है मैक्सिमम एक सेकेंड में 4000 साइकिल रोटेट करना है, तो उसको हम लोग बड़ा बैटरी लेके, मतलब सबसे बड़ा बैटरी क्या है 4 kHz, यानी 4000 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 4000 साइकिल ये लगाएगा और वो पटनाला तक पहुंच जाएगा आवाज। लेकिन इस आवाज को हमको कहां पहुंचाना है, अदर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना है, लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना है। इस 4000 साइकिल को हम आज के डेट में एनालॉग नहीं रह गया, सारे के सारे क्या रह गया, डिजिटल हो गया। डिजिटल मींस बाइनरी डिजिट, बीट में हमको उसको कन्वर्ट करना है, यानी 0 और 1, वो तो अलग टॉपिक हो गया, उसको तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे तो गेट आते हैं एंड नॉट गेट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं वो 0 और 1 को कन्वर्ट करता है, जैसे 2 को तो 1 0 में कन्वर्ट किया, ए को 1 0 0 1 1, जितने भी लेटर है अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक वो सारे के सारे 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वॉइस जो हमारी निकल रही है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, या तो न्यूमेरिक फॉर्म में है या अल्फाबेटिक फॉर्म में है, ये सारे के सारे कन्वर्ट किस में होने चाहिए, बाइनरी डिजिट में होना चाहिए। तो हमारे पास जो ये एनालॉग सिग्नल में है, ये हमारे पास जो 4 kHz जिसको आप लोग हमेशा कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी, ये मतलब क्या है 4000 साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये जब रोटेट करता है 4000 साइकिल रोटेट करेगा, तो रोटेट करते 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 आगे पहुंचे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। कहने का मतलब है ये एक सेकेंड ये 4000 साइकिल रोटेट कर गया। अब ये इस देखिए, यदि ये इसको मिडिल पर ये देखिए फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, यानी इसमें 2 पार्ट बने, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव, लोअर को निगेटिव लेते हैं ऊपर को पॉजिटिव, तो कभी कभी बुकों में पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल, जबकि ये साइकिल ही है, एक साइकिल कंप्लीट किया मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब इसको हम एक सेकेंड में 4000 साइकिल को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डिजिटल फॉर्म में, वो मैं बता रहा हूं। हमारी वॉयस जो है, जो आप यहां बोल रहे हैं ना 4 kHz, ये 64
के बीपीएस में कैसे बदलती है। हमारे एक ह्यूमन वॉइस की जो डिजिटल फॉर्म में जो वॉइस होती है वो होती है 64 kbps। हम जो बोलते हैं ना फोन पर वो मिनिमम 64 kbps की वॉइस होती है, डाटा मिनिमम। तो ये 64 kbps कैसे आती है? अब जब भी आप तो हमेशा बात करते हैं, जब भी बातचीत होती है भाई आपके ह्यूमन की वॉइस क्या है तो 3.4 kHz, 20 Hz, 3.4 kHz मीन्स। लेकिन जो डिजिटल फॉर्म में क्या वॉइस होती है वो होती है 64 kbps। हमारी जो वॉइस निकल रही है डिजिटल फॉर्म में वो क्या है 64 kbps की बैंडविड्थ है। स्पीड कर लीजिए या बैंडविड्थ कर लीजिए, ये है हमारी वॉइस की बैंडविड्थ।